दोस्तों यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं, कौन सी परीक्षा कब है और पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में जो आज की नई अपडेट है। जैसे कि आपको दिख रहा है 3 जनवरी 2023 यानी आज ही की अपडेट आई हुई है। तो दोस्तों इसमें यूपीएससी की जो भर्ती है उसमें उन्होंने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया कि किस परीक्षा को कब कराना है, उसकी डेट उन्होंने घोषित कर दी है। तो दोस्तों जान लेते हैं कौन सी परीक्षा आपकी किस डेट में होने वाली है, उस कैलेंडर को देख लेते हैं एक बार। अगर दोस्तों अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यूपीपीएससी ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। जानिए कौन सी भर्ती परीक्षा कब होनी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये आपको दिख रहा है कैलेंडर है, इसमें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो भर्ती होने वाली है उनके बारे में जान लेते हैं कौन सी भर्ती को कब होने वाली है। दोस्तों विज्ञप्ति निकली है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर निम्बत है। तो किस प्रकार से है जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कितनी परीक्षा होने वाली हैं, तो इसमें 33 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा का नाम, यहाँ दिया हुआ है इस कॉलम में परीक्षा का नाम दिया है और इस कॉलम में परीक्षा की तिथि दी है, कब ये परीक्षा आपकी होने वाली है। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, यह परीक्षा आपकी 8/1/2023 यानी कि जनवरी से 8 जनवरी के बाद ये परीक्षा आपकी 8 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों इसकी डेट आपकी आ चुकी है। आगे बात कर लेते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी, इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी 9/1/2023 से 10/1/2023 तक यानी कि 9 और 10 जनवरी को आपकी परीक्षा 2023 में ये होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, वो आपकी परीक्षा होने वाली है 12/2/2023 यानी 12 फरवरी को इसकी परीक्षा आपकी होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों खान निरीक्षक जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा 9/3/2023 यानी कि सॉरी 19/3/2023 यानी कि 19 मार्च 2023 में ये परीक्षा आपकी होने वाली है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सम्मिलित राज्य पर्यावरण अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी ये परीक्षा है वो आपकी 14/5/2023 में होने वाली है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा जो दोस्तों ये मुख्य जो परीक्षा है आपकी 23, 24 और 25 मई 2023 में आपकी 3 डेट में होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सम्मिलित राज्य पर्यावरण अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा जो आपकी यह आपकी 23/9/2023 में होने वाली। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सहायक वन रक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा ये आपकी 9/10/2023 से होने वाली। दोस्तों तो इस प्रकार से इसमें परीक्षाओं की तिथि आपको दे दी है, अगर आप तैयारी कर लें तो अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से हो सके। दोस्तों इसमें एक नोट भी दिया है विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है यानी कि जो तिथि दे दी है अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि परीक्षा ना हो सकती तो ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा को आपका परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ये आपके सचिव हैं आलोक कुमार सचिव के द्वारा ये जो आपकी लिस्ट है वो जारी की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी भर्ती कैलेंडर जारी हो गया है, अगर आपकी तैयारी चल रही है तो अपनी तैयारी को बढ़ा दें क्योंकि आपकी परीक्षा 2023 में होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।